नमस्कार, मैं हूं शिवांगी सिंह और आप देख रहे हैं आईबीएन भारत। शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बाघ ने बनाया बछड़े को निवाला, ग्रामीणों में दहशत। उत्तर प्रदेश के मथुरा में सीओ महावन आरती सिंह ने किया वार्षिक निरीक्षण, पुलिस कर्मियों में हड़कंप। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में आक्रोश, धरने पर बैठे छात्र का कॉलेज प्रशासन चुनाव करवाने के नहीं है इरादा, इसलिए बढ़ा रहे हैं डेट। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में कचहरी के बीचों बीच एनआईसी सेंटर की बिल्डिंग से निकला धुआं, मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, लाखों की क्षति। झारखंड के साहेबगंज में कालाजार उन्मूलन के लिए छिड़काव का प्रथम राउंड शुरू, उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार ने की ग्रामीणों से मुलाकात, घर घर जाकर ग्रामीणों को किया प्रेरित। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में खुदानपुर गांव के पास बसपा नेता को अज्ञात लोगों ने मारी गोली, सूचना पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच शुरू। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस की मुठभेड़ में हुआ घायल। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में अपने आराध्य के साथ श्रद्धालुओं ने खेली जमकर होली, बसंती रंग में रंगा ठाकुर बांके बिहारी का मंदिर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बामोरा गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, परिवार के साथ पहुंचे भक्त। चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा टेस्ट सीरीज, टीम इंडिया ने इंग्लैंड से चुकता किया पिछली हार का हिसाब, 317 रन से जीता मैच। उत्तर प्रदेश के मथुरा में माट इलाके में हुई आरएलडी किसान महापंचायत, राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने आईबीएन भारत से कहा, किसानों की मांग पूरी करे सरकार। राजस्थान के जोधपुर में एक महिला ने मरने से पहले की अपने सारे गहने राम मंदिर के नाम, उसकी अंतिम इच्छा थी मेरे सारे गहने आए राम मंदिर के काम। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में कसियापुर जाने वाली हाई टेंशन लाइन तार पर जमीन पर गिरा, दर्जनों गांवों की विद्युत आपूर्ति हुई बाधित, आक्रोश में जनता। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गन्ना भुगतान पर हुई चर्चा, बाकियों के जिला अध्यक्ष रामचंद ने जिला गन्ना अधिकारी से मिलकर भुगतान करने के लिए बात की। उत्तर प्रदेश के हरदोई में कोतवाली शाहबाद का निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स, एसपी के निरीक्षण में मिली खामियां, एसपी ने कोतवाल को लगाई फटकार। राजस्थान के पाली में नवांगत इंस्पेक्टर राजेश राय ने थाना परिसर में आहूत की पीस पार्टी की बैठक, उपस्थिति क्षेत्रीय लोगों से किया परिचय, साथ ही क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग की अपील की। नसीमुद्दीन सिद्दीकी यूपी कांग्रेस कमेटी में मीडिया विभाग के बने चेयरमैन, सतीश आजमानी यूपी कांग्रेस कमेटी में होंगे कोषाध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 5 फरवरी को झालू में दिन दहाड़े हुए हत्याकांड मामले में सीएम के आदेश पर दी गई पीड़ित के परिजनों को 5 लाख की सहायता राशि, मोहित बेनीवाल ने सौंपा पीड़ित के परिजनों को 5 लाख का चेक, इस दौरान बिजनौर के बीजेपी के तमाम नेता रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक पुलिसकर्मी सहित 2 युवकों की अज्ञात वाहन से हुई टक्कर, पहली घटना बिजनौर के बैराज रोड पर स्टेडियम के सामने की है, जहां सड़क हादसे में बाइक सवार रोबिन मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर अफजलगढ़ थाने में तैनात त्रिवेश वर्मा की अज्ञात वाहन से टक्कर में मौत हो गई। बिहार के बेतिया में सिरसिया पंचायत अंतर्गत गुलेरिया में आग लगने से 20 से 25 घर जलकर राख, ग्रामीणों और विधायक वीरेंद्र गुप्ता विधानसभा क्षेत्र में बहुत प्रयास कर पाया आग पर काबू। मध्य प्रदेश के सीधी में हुआ एक बड़ा बस हादसा, हादसे में कुल 38 लोगों की मौत, सीधी से सतना जाते समय नहर में बस गिरे। प्रगतिशील समाजवाद पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव का बयान, समाजवादियों ने समाज के दम पर 4 बार सरकार बनाई, भाजपा को हराने के लिए पूरे देश के समाजवादियों को होना पड़ेगा एक। राजकुमार राव फिर बनेंगे भूतनी के दुल्हा, स्त्री के मेकर्स अब ला रहे हैं रूही, फिल्म की कहानी स्त्री की तरह, चुड़ैल वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित। पश्चिम बंगाल में पैरा शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन, इस दौरान वह आदि गंगा नहर में कूदे और पोस्टर लहराकर लगाए नारे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काली घाट स्थित आवास के पीछे है आदि गंगा नहर। इसराइल में वैक्सीनेशन का काम जितनी तेजी से किया जा रहा है, उतनी ही तेजी से इसके आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। इसराइल में एक नई स्टडी के मुताबिक फाइजर वैक्सीन की 2 डोज लेने वाले में कोविड-19 के सिम्प्टोमेटिक मरीज में 94% तक कम हो गए हैं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, नमस्कार।